जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो वो हमारा है किसान की बात किसान के साथ वाला। यहाँ कुछ किसान मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये वाले वीडियो में हम तमाम तरह की जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कितना माल बेच दिया, कितना माल रखा है, कितना माल लगाया था, या आने वाले समय में अगले साल वो कितना माल लगाने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप तक सही जानकारी लाना। और एक चर्चा भी चली थी आज, जो कि आगे चर्चा है। दादा, क्या नाम आपका? गिरधर मीणा। मीणा साहब कहाँ से हैं? सायर के पास में बालरिया। आज क्या भाव क्या लहसुन? 9,260। और एक और छदी वाला माल जो मीडियम साइज 7,300। किसान भाई खबर आई है, अब वो खबर कितनी सच है क्या है? इंडोनेशिया में शायद छर्री की अभी अपने यहाँ से एक्सपोर्ट का डिमांड कहीं ना कहीं वहाँ से आया है, ऐसा सुना है मैंने। मैं पूरा कंफर्म कर लूँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। और हो सकता है कि लहसुन में थोड़ा बहुत अब अपने को उछाल देखने को मिलेगा। मैं पूरा ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कल की जैसे लग रहा मामला। और अभी एक और खबर आ रही है इंडोनेशिया में छर्री की डिमांड आ रही है इंडोनेशिया। जो आएगा देखा जाएगा, अभी तो रोज कुआं खोदो रोज पानी दियो। आखिर होता है ये रोज कुआं खोदो रोज पानी वाला ही काम है। अच्छा, आगे बढ़ने का चांस और क्या? आप देखो दादा, आगे तो भाव बढ़ेगा, ये पक्की बात है। लग रही है, लग क्या रहा होना ये मालिक है लोगों के पास। दादा कितना माल बचा आपके पास? 100 कट्टे। और गांव की क्या कंडीशन है ना? कितना होगा? 50% होगा कि उससे कम होगा कि ज्यादा? तो निकल गया होगा। निकला ही नहीं गांव में से। अच्छा, निकला ही नहीं है, माल निकला ही नहीं है। 100% माल गांव में नहीं निकला। बात तो सुनो, ये हमारा गांव में नहीं, मैं 100% माल गांव में। आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? पैदावारी कम है ना, रकबा कितना बढ़ाए? ईमानदारी बोलो, रकबा कम है। रकबा, अरे ऊपर से 5 बीघा का 8 बीघा एक साल है, कहाँ बता रहे हो? मेरी बात सुनो, ये खराब भी हो गया। पहले सुनो मेरी बात, खराब हुई है, सब कुछ हो गया। रकबा बढ़ा हुआ है कि नहीं, ईमानदारी बोलो। दिल से रकबा कम है, साल प्याज था ही नहीं, खेत पैदा नहीं हुआ पूरे चोरी प्याज की। सुनो तो सही, किसान की बात हवा में बारिश थोड़ी ना आएगा। व्यापारी का अपना गणित अलग है। मेरी बात सुनो तो सही, क्या बोल रहा हूं? व्यापार का गणित अपना अलग है, किसान का गणित अलग है, बिल्कुल अलग है। प्याज पैदा नहीं हुआ, जनवरी तक मार्केट से छूट प्याज की। चलिए, ये सब बात होती रहेगी। बाकी मेन मुद्दा देखिए, ये जो तमाम मेन मुद्दा ये है कि जैसे आपको लगता है कि माल कम है बचा है कि ज़्यादा बचा है, हम डेली के एपिसोड चला रहे हैं किसान की बात किसान के साथ। और ये लास्ट कल 25वां एपिसोड था, वो आप एपिसोड जरूर देखिएगा, उसमें आपको सही कंडीशन पता लगेगी कि इस बार किसानों ने ज़्यादातर माल जो गीला था वो निकाल दिया, और ये हकीकत है। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। अभी सुपर माल बचा हुआ है, बाकी देखो हम सुपर माल या खराब माल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माल कितना बचा और कितना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, 50% माल अपने एरिया में वो निकल चुका और 50 ही बचा। सेम कंडीशन नीमच और मंदसौर में भी हुआ, गीला माल भाई साहब 20,000-22,000 मिला है, 8,000 मिला है। तो गीला माल मतलब आप समझ लो, गीला से सूखेगा तो कम से कम कितना, ये मान के लो 15 किलो तो कम हो जाता। तो किसान ने यही दिमाग लगा और गीला माल भी इस बार बेच दिया, ये वास्तविकता है। तो मैं तो देखो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वास्तविकता क्या है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमारे डेली एपिसोड आ रहे हैं किसान की बात किसान के साथ, आप उसको देखो, आपको अपने आप स्वतः कंडीशन पता लगेगी कि किसान के पास कितना माल है, कितना चला गया है और आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसी से आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपको लहसुन रोकना है बेचना है, भाव कैसे लेना है। वास्तविकता ये है किसान भाइयों, इस बार भाव वापस आने वाले हैं 25-30 हज़ार जो आए थे, ये वास्तविकता बता दूँ, ये होगा होगा होगा। पर आवक का खेल है सारा, आवक अगर मेंटेन रखी, जितनी डिमांड है उतनी रखी, भाव पक्का मिलेगा और सबको मिलेगा। बस ये कि थोड़ा सब्र रखे, एकदम से उत्साहित ना हो इतने कि 200 कट्टे लेके आ गए 300, और वो सबके लिए नुकसान है उनके। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया, नाम दादा आपका? मेरा नाम जाट। जाट साहब आप कहाँ से आए? बावई से। बावई से। अच्छा, मेरा आपसे ये पूछना है कि अभी आप कितना माल लेके आए? 20 कट्टे लेके आए। आप 20 कट्टे इस बार लगाए, कितना था माल? 5 कट्टे। अच्छा, कितने बीघा में लगाए थे?
सवा बीघा डेढ़ बीघे का। अपने पैदावार कितनी निकली थी? 45 कट्टे बीघा की टोटल ओवरऑल, टोटल 5 कट्टे की 45, मतलब 5 कट्टे मतलब डेढ़ बीघा में आपको 45 कट्टे होंगी। तो अगर हम लोग 1 बीघा देखें तो 30 कट्टे के आसपास हम मान के चले, 30 कट्टे यानी 15 क्विंटल के आसपास आपका पैदावार आया। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरा आपसे ये है कि आपको आपके गांव का एरिया के बारे में पता होगा कि कितने किसान भाइयों ने माल बेच दिया और कितने ने रखा हुआ है। ये मान के चलोगे 90 से 95% स्टॉक है और 5% आया है। अच्छा, आपके उधर से केवल 5% अभी आया। कौन सा गांव, कौन सा बताया? बावई। तो देखिए सोमगंज में, तो देखिए किसान भाइयों तमाम तरह की चीजें आ रही, तो कुछ किसानों को बोलना था, अब यहाँ बात रिपीट उल्टी हो रही है। उल्टी क्या हो रही है? कुछ किसानों को बोलना था कि हमारे यहाँ से 80% बिक गया, 20 बचा। अब इनके एरिया में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या लेट दे रहा है, लेट निकल रही तो लगभग उधर एरिया में सबके ये कंडीशन है, 90 के आसपास सबका ये। तो देखिए ये तमाम जो वास्तविकता चीज़ों में सामने लेके आ रहा हूँ। तो अभी हमको और कुछ किसान मिले उनका बोलना कि 90 हमारा बचा हुआ है, हमने 10 निकाला। ज़्यादातर का बोलना क्या निकल रहा था, 50 निकाल दिया, 50 बचा है। वहाँ ज़्यादातर किसान भाइयों ने माल गीला था वो निकाल दिया, और अपने इधर भी निकला है, अपने इधर भी माल नहीं पका था। अच्छा, अगर मान लो माल पक जाता तो आपने क्या किया? गीला वाला ही निकाल देते, गीला वाला। तो स्वाभाविक सी बात है किसान भाइयों ने देखो गीला में क्या इस बार फायदा ज्यादा मिल रहा था, वास्तविकता थी ये कि जो चीज गीले में मिल रहा था 20,000-18,000 साइज निकाले। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा, आप सभी एक ही गांव के अलग अलग आसपास में गांव है, कई ज्यादा आपके भी वही कंडीशन है कि कुछ और कंडीशन यही आसपास की है। अच्छा, दूसरा मेन प्रश्न हमारा एक और ही आता है कि जैसे इस बार आपने 1.5 बीघा लगाया, आपने कितना लगाया दादा? पौना 2 बीघा। आपने कितना लगाया? 1.5 बीघा। 1 बीघा 16 बीघा लगाया था दादा। इधर आइए थोड़ा सा पड़ेगा आपको दादा। आपने कितना लगाया? 2 बीघा। अच्छा, अभी मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। देखो वास्तविकता में ईमानदारी की बात बोलना, कोई अपने को क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हम अकेले भाव ले लें, तो ये फसलें ऐसी चीज़ें अकेला व्यक्ति भाव नहीं ले सकता है। या तो भाव मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना किसी को मिलेगा वो जैसे लहसुन 400 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये 2,000 रुपये, तो वो सिचुएशन भी आती है। और उसके पीछे मुख्य कारण इस बार लहसुन बढ़ाने वाले हैं, मतलब लगाने के लिए, कि जितना बोया था पिछले साल उतना ही बोएंगे, जो भी ईमानदारी की बात आप उतना ही लगाएंगे बराबर नहीं, जो वास्तविकता। देखो क्या होगा ना, टारगेट यही, हमको इसी चीज के लिए अवेयर होना है, क्योंकि वास्तविकता में हम हर साल क्या करते हैं, जिस दिन जिस समय भाव मिलता है तब क्या करते हैं, इस बार तो और ज्यादा लगा, इस बार और ज्यादा पैसा है, और वो लहसुन कहाँ जाती है? नीचे आ जाती है। अगर मान लो जिसका 4 बीघा है, उसने सपोज करो लगा दिया 8 बीघा या 10 बीघा, एक एग्जाम्पल एक बंदे का ले रहे, मान लो ऐसा सब करने लग गए, तो उसके पीछे मुख्य रूप से दोषी कौन है कि लहसुन का भाव कम हो गया? यही मैं किसान भाइयों आपको समझाने का बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ। दादा आप ईमानदारी से बताना, अभी तक आपने इस बार 16 बीघा लगा, आप ईमानदारी से बताना अगली बार कितना लगाओ, जो भी मन में। कम लगाऊंगा मैं इस बार, मैं ये नहीं बोल रहा कम लगाओ, जमीन का पलटाव भी चाहिए ना जरूरी, मैं ये नहीं बोल रहा कम लगाओ, लेकिन मेरा बोलना है कि अपन कोशिश क्या करें कि लहसुन जो है अगर सब ज्यादा बोओगे तो किसी को भी फायदा नहीं, सही है ना, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जमीन का पलटा पूर्ति नहीं है, आप इतनी पूर्ति ला रहे हो, मांग नहीं इतनी, तो फिर अपन बोलते हैं लहसुन के इस बार भाव नहीं रहे यार, तो भाव का भगवान लेके आएगा, भाव क्या, भाव तो कहीं ना कहीं पूर्ति और मांग का ही खेल होता है। ज्यादा लगाते रहेंगे ना हमेशा तो जमीन भी बंजर हो जाएगी, जमीन बंजर होगी, पैदावार भी नहीं होगी, थोड़े थोड़े लगाएंगे इस साल यहाँ लगा ली, अगले साल वहाँ लगा ली, तो पैदावार भी अच्छी होगी, फायदा सबको मिले। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये कि आखिर हम अगर ज्यादा लहसुन नहीं लगाए तो लगाए क्या फिर, तो क्या आपके एरिया में कोई ऐसी नई फसल? चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है। तो कुछ किसान और है जिनसे हम बात करते, यंग किसान लग रहे पूरी तरह से। अभी आज क्या लेके आप लोग? लहसुन लेके आए, कितने कट्टे लेके आए? 25 कट्टे। आप 25 कट्टे लेके आए और आप 12। अच्छा, अभी ये प्रश्न मेरा ये है कि किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो हमारा है, इसमें हम लोग किसानों से पूछते हैं उन्होंने कितना माल लगाया था, कितना बेच दिया, कितना रखा, आगे वास्तविकता में कितना लगाने वाले हैं,
और क्या कोई नई फसल कर रहे हैं क्या वो जो परंपरावादी जो फसलें चल रही उसके अंदर? तो आपने इस बार कितना फसल लगाया? कितने बीघा में लगाया था? तीन बीघा दादा आपने? 20 कट्टे लगा। बीघा बताओ आप? पाँच बीघा दादा आपने? 2 बीघा। अब मेन जो प्रश्न मेरा ये है, ईमानदारी से बताना अगले साल कितना लगाना, छूट मत बोलना। बढ़ा रहे हो तब भी बताना, नहीं बढ़ा रहे हो तब भी बताना, क्योंकि दिमाग में तो लग चुका है तुम्हारे अगले साल कितना बोएंगे, वो पहले से गणित चल जाता है। पानी आएगा जो होगा वो बात का मैटर, लेकिन एक गणित तो लगा देता इंसान के, इतना लगाने वाला है इस बार कितना सोच जितना लगा उतना ही सोच रहे हो आप? दादा 20-25 थोड़ा और बढ़ा सकते। अब बुरा मत मान। अब मेरा प्रश्न आपसे, आप बढ़ाने क्यों वाले? इस बार का भाव बहुत अच्छा मिला है ना। चलिए, ये एक प्रश्न सबका रहता है, भाव अच्छा मिला तो अगले साल भी क्या होगा, भाव अच्छा। यही प्रश्न है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हर किसान, जैसे मैं ज़्यादातर से मिल रहा तो वो बड़ी अंदर की बात नहीं बता रहा, जैसे आपने ईमानदारी से बोला, ईमानदारी से उसके अंदर ये चल रहा है यार इस बार एकाध तो बढ़ा देता यार, दो और बढ़ा देगा यार। ऐसा अगर सभी करेंगे तो वास्तविकता बताओ, जो भाव मिल रहा है क्या वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ईमानदारी से बताओ, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस चीज़ की जो वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, फिर खत्म होने, और जिस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है उसके भाव मिलते नहीं। फिर वो वाली बात आ जाए, 1000 रुपये भी आ जाए, 2000 कुंटल के भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और तो मुझे बताओ भाव घटाने में, क्योंकि लहसुन, हमने लहसुन में देखा है कि 2-1 साल आता है भाव, हाँ उसके बाद फिर डाउन। अच्छा, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, आपने कभी अनुमान लगाया? मांग से ज़्यादा पूर्ति। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो भैया ने बोल दिया भैया, कि जब मांग से ज़्यादा ही पूर्ति कर देंगे अपन, मांग से ज़्यादा बो देंगे तो फिर भाव कहाँ से आए। और जब हमारी वैल्यू रहेगी, हाँ। कि हमारे माल की वैल्यू, लो भैया माल दो, जैसा अभी चल रहा है, जैसा अभी चल रहा है, भाव मिल रहा है। अच्छा, इसमें दो हमको दिक्कतें भी आएगी, अगर अपन जैसे मान लो आपके 8 बीघे में लहसुन लगाई एग्जाम्पल, आप 6 बीघे में लगाए, अब वो व्यक्ति बोलता मैं अगले साल 10 में लगाऊंगा, तो 6 से उसमें कितना कट जाए, 10, तो 4 बीघा तो बढ़ा दिया, तो 4 बीघे की खेती दूसरी हो सकती है, वो भी खेती क्या कर दी उसमें, बर्बाद। तब वो जितना 6 बीघे में कमा रहा होगा ना, उतना 10 में भी आप उसको नहीं मिले। और यही चीज़ हमको क्या करना है, समझना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक किसान की बात। अच्छा, दूसरी बात मेरा आपसे ये कि अभी इस बार आपने कितना माल बचा के रखा हुआ? शुरुआती है हमारी। गांव में कितना लगभग बिक गया और कितना बचा हुआ? हमारे गांव में तो अच्छा, देखिए आज थोड़ा कुछ और नया, एक और खुलासा निकल रहा है, इतने दिन खुलासे कुछ और निकल रहे थे हमारे, कि बहुत सारे किसानों ने 80% माल बेच दिया, 70 बेच दिया गांव में, 30% बचा। अब इनके तरफ थोड़ा रिवर्स गाड़ी चल रही है, कि इनके तरफ ज़्यादा बचा हुआ है और कम निकाला। कौन से गाँव सोनगज के एरिया में अभी यही चल रहा है, सोनगज तहसील में थोड़ा सा लेट लग रहा है ना, इस कारण कहीं नहीं हो रहा। बाकी अगर दूसरी तरफ देखें अपन तो उधर 50% ऊपर उड़ा दिया माल का, 20% माल निकला सोनगज में, 20%। बाकी नीमच मंसूर में भी सुनने आ रहा है, बहुत सारों ने तो कच्चा माल ही उड़ा दिया, मतलब अभी लहसुन है, मतलब अभी संशय वाली स्थिति चल रही है कि कितना है क्या है, कितना है क्या है, कभी गाड़ी ऊपर जा रही है कि बहुत ज़्यादा है, कभी गाड़ी नीचे आ रही है बहुत कम, मतलब अगर ओवरऑल देखें तो 50% माल तो निकल चुका है। हाँ। ये अपन अगर ओवरऑल। अच्छा, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे कि आपके एरिया में ऐसा कोई भी एकाध दो किसान, क्योंकि हर किसान कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कोई किसान नई खेती कर रहा है जैसे लहसुन प्याज हो तो अपन लगाते आ रहे, उसके अलावा कोई नई फसल लेके आए क्या कोई जो आपके एरिया में हो रही हो? आपने अगर थोड़ा बहुत भी आपके एरिया में कुछ भी नया हो, कलौंजी और कुछ उसके अलावा भी लेके आए कुछ, तो वो सक्सेस हो रहा कि नहीं हो रहा, प्रश्न यहाँ नहीं, इस सिलसिले में बात करो आप कि वो सक्सेस हो रहा, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे लहसुन का रकबा बढ़ा रहे हैं, उसका बढ़ा रहे हैं, तो बजाय कि लहसुन वसुन बढ़ाए, इसके अच्छे बजाय कि दूसरी फसल और अगर हो रही हो तो वो बढ़ाए, तो उससे लहसुन का भाव मिल जाएगा, दूसरे का मिलेगा, तभी कहीं ना कहीं सबको क्या मिलेगा, हर साल ये लहसुनों के और हर साल ये प्याज के और अलग तमाम चीज़ों के भाव मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी अगली बार मुलाकात हो मंडी में, तो थोड़ा आप वहाँ का आपके एरिया में कोई भी लगा रहा है उससे थोड़ी जानकारी लेके आओ कि क्या फ़ायदा, क्योंकि एक दो किसान के लगाने से फ़ायदा सबको नहीं होने वाला, उसको खुद को भी नहीं होगा,
जब ज़्यादा मात्रा में लगेगी फ़ायदा होगा तो फिर उस तरह की मंडी बनेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, पता चलेगा ना किसानों को, वही अपने को वही अवेयरनेस कहानी है। जब पता लगा लहसुन इस बार भाव था, चलो भैया और बढ़ाओ लहसुन, और भाव नीचे नुकसान आ जाएगा। चलिए जय जवान जय किसान, ठीक है। जीरो नंबर, इंदौर नंबर वन है, और दादा कुछ बोलना चाहते हैं। ये जो चौहित्राम मंडी में जो हालत है, हाँ? उसमें जीरो नंबर में नहीं देखो इंदौर को, यहाँ पे थोड़ी गंदगी बहुत ज्यादा, जो लहसुन मंडी है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ये थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि हम यही नहीं यार काफी समय से इंदौर नंबर वन बन रहे हैं, चार दिन हो गए, तो थोड़ा सा माल का हम रिस्पेक्ट होगा तो और अच्छा भाव मिलेगा। किसान अपने हाथ से तोड़ रहा है कचरा, तो ये चीजें थोड़ा किसान जो बोल रहे हैं उनकी बात अपने ध्यान रखें। चलिए जय जवान जय किसान, ठीक है भाई।